ऑल राइट, सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो ऑफ रोड रेशर ऋषभ। तो बहुत से लोग ये बात जान चुके हैं, और जो लोग नहीं जानते तो मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि होंडा हॉर्नेट 2.0 BS6 लॉन्च हो चुकी है फाइनली। तो अगर इसके प्रीवियस वेरिएंट की बात करें जो 160R आती थी, तो इस बार का जो 180 होंडा जो 2.0 निकली है वो अपने पहले वाले वेरिएंट से थोड़ी सी ज़्यादा मस्कुलर की गई है और बहुत अट्रैक्टिव भी लग रही है। तो आज हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे कैसे स्पेसिफिकेशन से, और जैसे ही ये शोरूम पे आएगी तो मैं इसकी वॉक अराउंड वीडियो भी एक पूरी कंप्लीट बनाऊंगा। उसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। बाकी बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बात करें अगर पहली चीज़ के बारे में जो कि है डिस्प्लेसमेंट, तो इंजन डिस्प्लेसमेंट इस बाइक का है 184.4 सीसी का। बीएचपी के बारे में बात करें तो 17.03 बीएचपी है जो कि 8500 आरपीएम पर जनरेट होती है, और जो मैक्सिमम टॉर्क है वो 16.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क है जो कि 6000 आरपीएम पर जनरेट होता है। बोर के बारे में बात करें तो बोर इसमें 61 mm का देखने को मिल जाएगा, और जो स्ट्रोक है इस बाइक का वो 63.09 mm का देखने को मिल जाएगा था। एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड के साथ आपको ये मोटरसाइकिल मिलती है। फ्रंट और रियर जो लाइट्स हैं वो आपको पूरी LED देखने को मिल जाती है। कंपैरिजन रेशियो के बारे में बात करें तो 9.5:1 कंपैरिजन रेशियो है। गियर बॉक्स के बारे में बात करें तो 5 गियर बॉक्स के साथ आपको ये बाइक मिलती है। इसकी बाइक की जो टैंक कैपेसिटी है वो 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी है। अब बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग के बारे में, तो इसका जो ब्रेकिंग है वो 276 mm का है जो फ्रंट डिस्क है, और जो रियर डिस्क है वो 220 mm की रियर डिस्क है। बाकी ये सिंगल चैनल ABS के साथ आपको मिलती है। बात करें टायर्स के बारे में तो ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल जाएगा अलॉय व्हील्स के साथ। फ्रंट टायर के बारे में बात करें तो फ्रंट टायर का जो साइज़ है वो 110/70 17mc 54s का देखने को मिल जाएगा, और जो रियर टायर है वो 140/70 17mc 66s का देखने को मिल जाएगा। बाकी फ्रंट सस्पेंशन और रियर सस्पेंशन के बारे में बात करें तो फ्रंट सस्पेंशन आपको USD फोक्स देखने को मिल जाएंगे इसमें, जो कि KTM's और अपाचे RR 310 में आता है। बाकी जो रियर सस्पेंशन के बारे में बात करें तो रियर सस्पेंशन इसका वही मोनोशॉक सस्पेंशन है। स्प्लिट सीट के साथ आपको देखने को ये मिल जाएगी, और अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको 167 mm का देखने को मिल जाएगा। अब बात करें ये कलर वेरियंट्स के बारे में, तो 4 कलर वेरियंट्स के साथ ये बाइक लॉन्च हुई है, जिसमें कि पहला है मैट एक्सेस ग्रे मेटेलिक, दूसरा है सैट मार्वल ब्लू मेटेलिक, तीसरा है मैट सेंगेरिया रेड मेटेलिक, और चौथा है पर्ल इग्निस ब्लैक। तो ये 4 कलर वेरिएंट्स में आपको ये देखने को मिल जाएगी। बाकी बात करें कंपटीशन के बारे में, तो ये बाइक कॉम्पीट करेगी पल्सर 180 जैसी बाइक को, अपाचे 160 अपाचे 180 ऐसी बाइक्स को कॉम्पीट ये करेगी, इवन दो ड्यूक 125 को भी ये कॉम्पीट करेगी। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और ये किस किस बाइक को कॉम्पीट कर सकती है। और अगर मैं बात करूँ प्राइस के बारे में, तो प्राइस इस बाइक का एक्स शोरूम प्राइस है वो 1,28,056 रुपीज़ है, और बाकी बात करें कानपुर में जो इसका ऑन रोड प्राइस है वो 1,51,864 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। इवन दो ड्यूक की ओवरऑल आपको ये बाइक कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हो। मैं अगर अपने हिसाब से बात करूँ तो मेरे हिसाब से इसमें 6 गियर कर भी देना चाहिए था, क्योंकि ये 5 गियर बॉक्स के साथ आती है। ओल्ड वेरियंट भी BS4 वाला जो आता था वो तो 160 cc's की थी, वो 5 गियर बॉक्स की आती थी, बट ये जो अपग्रेडेड वर्जन है उसमें शायद 6 गियर बॉक्स इन लोगों को कर देना चाहिए था, और अगर 6 गियर बॉक्स नहीं करते तो डुअल चैनल ABS तो उनको देना ही चाहिए था। बाकी मेरी प्रेफरेंस अभी यही है, और जब मैं इसको सामने देखूंगा तब जो प्रोज एंड कॉज निकलेंगे वो मैं इसकी अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हो। सो यहाँ से हम लोग करेंगे वीडियो का एंड। तो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राइड हार्ड राइड सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।